हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे जो आपका रेलवे एनटीपीसी का नोटिस निकला हुआ है कि दोस्तों जो आपका 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच, इसमें दोस्तों क्या है, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया था एनटीपीसी का, तो दोस्तों उस समय आपसे देखिए जो आप अगर आप बिलोंग करते हो जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो दोस्तों आपसे 500 रुपये लिए गए थे जब आपका फॉर्म भरा गया था, और आपसे बोला गया था कि 400 रुपये आपके बाद में वापस कर दिए जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा CBT1 का उसके बाद। और साथ ही अगर दोस्तों आप फीमेल SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपसे 250 रुपये लिए गए थे, और आपसे बोला गया था कि आपके पूरे 250 रुपये CBT1 का एग्ज़ाम होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों उनका अब नोटिस निकला हुआ है, इसमें लिंक आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है इस समय, दोस्तों जो आपका इसमें है आपका रोल नंबर मांग रहा है लॉग इन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास अपना रोल नंबर नहीं है। क्यों दोस्तों, रोल नंबर वो दो तरीके से मिल सकता था। एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो दोस्तों आपने PDF फॉर्मेट जब डाउनलोड किया होगा एडमिट कार्ड आया था आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आपका पड़ा हुआ होगा, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आपका वीडियो है, ठीक है। रोल नंबर नहीं मिल रहा तो आपको आपको 400 रुपये 250 रुपये आपको कैसे वापस लेने हैं, तो इसी बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक एक बार जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि बहुत सारे लोगों की आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों पहले आपके मन में कुछ डाउट है उनको क्लियर कर देता हूँ। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है आपका कि रिफंड किस किस का आएगा, किसको रिफंड मिलेगा, किस किस को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको पहले बता चुका हूँ कि जिन बच्चों ने आपका CBT1 का एग्ज़ाम दिया था केवल उन्हीं बच्चों का आपका रिफंड वापस होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने आपका एग्जाम नहीं दिया CBT1 का तो उनका रिफंड वापस नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात दोस्तों कि बैंक डिटेल, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर मैं पहले ही अपनी बैंक डिटेल डाल चुका हूँ जो उसका फॉर्म भरा था, तो क्या मुझे दोबारा डालनी है। तो हाँ, दोबारा आपको भी डालनी पड़ेगी बैंक डिटेल, यानी जो बैंक डिटेल है आपको सबको डालनी है, ठीक है, चाहे आपने पहले अपनी डाली हो किसी डाली हो। और एक सवाल दोस्तों ये आ रहा आपका कि जो बैंक डिटेल है उसमें किसी और के नाम से डाल सकते हैं, जैसे मान लो आपने फॉर्म भरा है NTPC का, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, किसी के अकाउंट की बैंक डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपके, जैसे मान लेते हैं आप दो भाई हो, ठीक है, और आपने पापा की बैंक डिटेल डाल दी इसमें अपने अकाउंट से, तो दोस्तों उस डिटेल को आप अपने भाई के अकाउंट से नहीं डाल सकते हो, क्योंकि एक बैंक डिटेल आपकी एक ही अकाउंट से आप डाल सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों अब देखते हैं, देखो भरना कैसे इसका फॉर्म को, उसके बाद दोस्तों हम आपका बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ चलेंगे, अगर आप गूगल में सर्च करोगे RRB NTPC, दोस्तों ये लिखा हुआ आ जाएगा आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए डिटेल आ रही है आपकी, इस पर क्लिक करना है कि बैंक अकाउंट डिटेल फॉर फीस रिफंड, ठीक है, यहाँ मुझे लिखा आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपका मांग रहा रोल नंबर, अगर आपके पास रोल नंबर तो आपको रोल नंबर डाल देना है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों डाल देना आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डालना आपको OTP। तो दोस्तों आपके ईमेल पे आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड था जो फॉर्म भरा था आपने, तो उसमें एक मेल आया होगा आपका या मोबाइल नंबर मैसेज आया होगा कि 6 अंकों का आपका OTP आया होगा, वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पर यह इमेज जो आ रही है ये डालनी है आपको, फिर आपको लॉगिन कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों अगले पेज पर आपको बैंक डिटेल डालनी है अपनी, जिसमें आपको IFSC कोड डालना है, अपना नाम डालना अकाउंट होल्डर का नाम, और साथ में डालना है आपको बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो उसके बाद आपको सबमिट कर दोगे तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चों के पास मैसेज नहीं आए आपके OTP, तो उनको क्या करते हैं, उनको देखो यहाँ पर क्लिक करना अपना, ठीक है, जब रोल नंबर ही डाल दोगे DOB, देखो यहाँ पर मैट्रिक रोल नंबर यानी अपना हाई स्कूल का नंबर डालना है आपको, जो रोल नंबर है आपका हाई स्कूल का, यहाँ आपका फादर्स नेम डालना है, अब देखिए कोड यहाँ डालना है, फिर आपको लॉगिन करना है, तो वही प्रोसेस आपको करना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट होल्डर नेम और आपका अकाउंट नंबर दो बार डालना है, ठीक है, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों जिन बच्चों के पास अपना रोल नंबर नहीं उनको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों सीधे सिंपल काम करना है, एक काम तो आपको ये करना है कि यहाँ पर जाना है आपको हेल्प डेस्क पे, क्लिक किया तो क्वेरी आ गई, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आना है आपको अदर्स में, अब यहाँ क्लिक कर दो अदर्स में आपको, देखिए यहाँ क्वेरी आ गई, यहाँ पर जाना दोस्तों आपका RRB जोन, कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है, पहला स्टेप तो आपको ये हो गया। फिर यहाँ पर स्टेज विद क्वेरी, ये पूरा आपको जोन दे रखा है यहाँ पर, फिर आपका स्टेज विद क्वेरी, ठीक है, क्या आपकी क्वेरी है कौन सी स्टेज की, तो आप देना लॉगिन पेज, क्योंकि आपको दोस्तों दिक्कत जो आ रही है वो लॉगिन पेज में आ रही है, क्योंकि वहाँ पे आपका रोल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आना आपको रजिस्टर ईमेल आईडी, यानी जो आपने फॉर्म भरा था
एनटीपीसी का, उसमें जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ मांग रहे रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या काम करना है, अगर आपका कोई दोस्त हो जिसके पास रोल नंबर हो तो उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे आपको नाम डालना है और यहाँ पर डालना है क्वेरी प्रॉब्लम। और दोस्तों इसमें क्या डालना है मैं आपको बताऊँगा और साथ में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास ईमेल आईडी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर कुछ ना कुछ मैसेज आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए जितनी ज़्यादा संख्या में आप इनको क्वेरी डालोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है उसलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए अगर दोस्तों आपके 5, 10, 8, 10 या 1000, 2000 बच्चे की मेल करते हैं, ठीक है, तो उससे दोस्तों रेलवे बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 1000, 2000 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आप लाखों की संख्या में अगर आप मेल करोगे, लाखों की संख्या में, तो दोस्तों उसको लगेगा हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अपना रोल नंबर नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आपका रेलवे निकालेगा। ठीक है, अब देखिए उसमें सबमिट क्या करना है क्वेरी में, देखिए ये डिटेल आपको डालनी है कि सर आई हैड अपीयर्ड इन द आरआरबी एनटीपीसी एडवर्टाइजिंग नंबर CEN01-2019 एनटीपीसी। ठीक है, आपका इतना हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई एडमिट कार्ड। ठीक है, आगे देना टू गेट द रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस आई नीड माई रोल नंबर विच वॉज इन माई एडमिट कार्ड टू लॉग इन एंड अपडेट माई बैंक डिटेल्स, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड माई रोल नंबर सो डैट आई कुड गेट द रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ये आपको इतना डाल देना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक आपको डाल देना उसमें डिटेल, और चाहो तो अगर देखो उसमें स्पेस हो तो आपको रजिस्टर नंबर डाल देना अपना, नाम डालना है, DOB डाल देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आई डालना है आपको, अपना नाम डालना है आपको। ठीक है, आई की जगह पर। तो दोस्तों ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, पहला दोस्तों स्टेप आपका ये हो गया। और दूसरे दोस्तों स्टेप क्या करना है आपको, देखिए ये पूरा मैसेज कॉपी कर लेना आपको। ठीक है, ये मैसेज या आपका ये वाला जो आपको सही लगे, इन दोनों में से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जॉन्स लिखना है और दोस्तों आपको मेल कर देना है, मेल अपने ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से दोस्तों फॉर्म भरा था उससे आपको मेल पर जाना है, वहाँ पर दोस्तों ये आपको लिखना है सारा कुछ। ठीक है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए मेल लिखते हो तो आपका सब्जेक्ट मांगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या लिखना है आपको, लिख देना रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड या आपका रोल नंबर, ये आपको डाल देना सब्जेक्ट में। और दोस्तों मेल आपको किस एड्रेस करना है, जिस जोन से आपने अप्लाई किया था दोस्तों उसके मेल पे आपको मेल करना है। और देखो साथ में ये काम करना है, देखो ये जो आपका है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको उसका मतलब वी भी आपको मेल के साथ मतलब अटैच कर देना है मेल के साथ। ठीक है, इसको आप अटैच करोगे तो उससे कुछ आपको देखो रेलवे बोर्ड को समझने में आसानी होगी कि ये जो बच्चा है कहना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोल नंबर की बात है। फिर दोस्तों देखिए ये आप कुछ ईमेल आईडी रखी हैं, जैसे आपके अहमदाबाद जोन है, अजमेर, इलाहाबाद, इन सबकी आपकी ईमेल आईडी रखी है। लेकिन दोस्तों बच्चों के मैसेज ये आ रहे हैं कि इसमें सर कुछ ईमेल आईडी जो आपकी गलत हैं, तो अगर गलत है तो अब क्या करना है, अब देखिए कुछ ईमेल आईडी आपकी ये हैं तो इसमें से डालना है आपको। अगर लगता है ये भी ईमेल आईडी गलत है तो दोस्तों आप क्या काम करना है, जैसे मान लो आप अहमदाबाद जोन से आपने फॉर्म भरा है तो गूगल में जाना लिखना है आपको अहमदाबाद आरआरबी एनटीपीसी। तो वहाँ पर दोस्तों एक साइट आ जाएगी अहमदाबाद की, वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी उसकी मिल जाएगी लेटेस्ट, तो वहाँ से आप ईमेल आईडी पर उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा काम दोस्तों आपका प्रोसेस ये हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रोसेस आपका ये होता है कि आप कॉल कर सकते हो रेलवे बोर्ड को, इसका नंबर भी आपको गूगल पर मिल जाएगा जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है जिसमें कि मेरा रोल नंबर है। ठीक है, और इस वजह से दोस्तों मैं आपको तो फीस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको डालनी है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तो दोस्तों ये आपको ज़्यादा ज़्यादा संख्या में करना है, यानी जितने ज़्यादा बच्चे आप कॉल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और चौथा दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है दोस्तों आपका आंसर की का। अगर दोस्तों आपके CBT 1 एग्जाम की आंसर की आ जाती है, ठीक है, जो कि तो पता होगा आपको 11 अगस्त से लेके आपको 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों वैसे तो आपकी आंसर की आने वाली है नहीं अभी, लेकिन अगर दोस्तों आप ट्विटर अभियान चलाओगे, ठीक है, तब दोस्तों आपकी आंसर की इसमें आ सकती है। तो दोस्तों इसलिए आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको क्या काम करना, देखिए हम ट्विटर पर हम चलाएँगे किसी दिन, आपका डेट डिसाइड कर लेंगे उसमें दोस्तों। एक तो आपका आंसर की के लिए कि दोस्तों जो आपकी आंसर की आएगी उसमें दोस्तों आपका दे रखा होगा रोल नंबर, तो वहाँ से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो आंसर की। और दूसरा दोस्तों आपको CBT 1 रिजल्ट डेट, कि हमको CBT 1 जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी डेट चाहिए कि रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है।
और तीसरा दोस्तों आपका CBT 2 एग्ज़ाम, इन तीन चीज़ों के लिए हमको ट्विटर वैन चलाना होगा। और उसमें दोस्तों क्या होगा, मैं चाहता हूँ देखो जो आपका ट्विटर वैन चलाया जाए तो कम से कम उसमें देखिए आपके 10 लाख बच्चे, आपको पता होगा लगभग 65-70 लाख लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया है NTPC का, ठीक है। तो कम से कम 10 लाख बच्चे ऐसे हों जो आपका ट्वीट करते हों, ठीक है। अगर 10 लाख बच्चे हैं, अगर आप 10-10 ट्वीट करोगे तो दोस्तों 1 करोड़ ट्वीट हो जाएंगे एक दिन में। तो उससे जो आपका भर्ती बोर्ड तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी, सरकार तक भी आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों तारीख डिसाइड होगी आपकी किस दिन करना है, ये दोस्तों जब आप सपोर्ट करो तभी आपको डिसाइड हो पाएगा। अगर देखिए 50-100 बच्चे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, जितना हो सके जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर दोस्तों आप नीचे कमेंट कर बताना कि आपके लिए कौन सी डेट आपके लिए डिसाइड की जाए ट्विटर अभियान की, इस वीडियो में नीचे बताना कमेंट करके। तो जो बच्चे ज़्यादा संतुष्ट होंगे उस डेट को आपको डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। और तीनों का हैशटैग आपका लगा दिया जाएगा, आंसर की के लिए भी, CBT 1 एग्जाम डेट के लिए भी, रियल डेट के लिए किसका रियल डेट कब तक आएगा, और साथ में आपका CBT 2 एग्जाम के लिए भी किसका एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। ये सब आपको करना पड़ेगा। क्यों देख रहे हो दोस्तों अभी तक आपकी ग्रुप डी एग्जाम की डेट नहीं आई है, कितना प्रोसेस शुरू चल रहा है रेलवे का। और फिर दोस्तों क्या होगा, उसके बाद आपका कोरोना की लहर आ जाएगी तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको ऐसे ठप हो जाएगा, फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। बहाना मिल जाएगा रेल बोर्ड को, तो ये सब कुछ करना होगा। और दोस्तों इसके बाद अगर कोई आपका सवाल है फीस रिफंड से संबंधित तो दोस्तों नीचे वीडियो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर हमें वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।